हेलो एवरीवन। तो आई होप कि आपका भी बहुत सारा बैकलॉग हो गया होगा, तो इसलिए आप इस वीडियो पर आए हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये तो ट्रेंड ही हो गया है कि बैकलॉग बैकलॉग, किसी से ही पूछो तो वो कहता है बैकलॉग हो गया, किसी से ही पूछो वो कहता है बैकलॉग हो गया। यार क्या ट्रेंड चल रहा है ये सब। बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम करिश्मा वर्मा फ्रॉम NIT इलाहाबाद। करेंटली आई एम इन फाइनल ईयर फ्रॉम EC ब्रांच। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे मेरे ब्रांच पूछ रहे थे तो मैंने इंट्रो में ही बता दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मिलेगा तुम्हें फ्री मेंटोरशिप विद काउंसलिंग। जब तुम्हारा काउंसलिंग का टाइम आने वाला होगा तो तुम्हें यहाँ वहाँ नहीं भटकना होगा। तुम आराम से मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि कौन सा कॉलेज सही रहेगा, क्या रहेगा। तो मैंने, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे आए हैं NIT इलाहाबाद में जिनकी मैंने काफ़ी हेल्प की थी, तो आई होप कि तुम भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि तुम्हें परेशान ना होना पड़े। एंड रिसोर्सेज एंड बहुत सारा मोटिवेशन, क्योंकि मैं डालती हूँ काफी अच्छे अच्छे अमेजिंग वीडियो जो तुम्हें मोटिवेट करेंगे अच्छे IIT और NIT तक पहुँचने। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल एंड वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर, अगर तुम में से कोई ऐसा है जो टेस्ट देना चाहता है और फ्री टेस्ट सीरीज ढूंढ रहा है, तो टेस्ट बुक लेके आए तुम्हारे लिए काफी अमेजिंग टेस्ट सीरीज जो कि एकदम फ्री है 30 डेज के लिए। आफ्टर दैट तुम्हें ओनली 1 रुपी में उसका पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी पर डे। तो 1 रुपी पर डे आई थिंक बहुत ही कम होता है गाइस, तो ये सब तो तुम इजीली कर सकते हो। तो इसीलिए जाओ टेस्ट बुक का फायदा उठाओ। उसमें दे सकते हो तुम चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। अगर तुमने कोई चैप्टर पढ़ लिया फटाफट उसका टेस्ट दे दो। उसमें दे सकते हो तुम पार्शल टेस्ट, वो भी दे सकते हो। उसमें दे सकते हो तुम फुल्ली टेस्ट, और उसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी मतलब गवाना मत, इस मौके को फायदा उठाओ और जल्दी से जाओ टेस्ट बुक में अपना एनरोलमेंट करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन चेक करो और फटाफट से लॉग इन करो। एंड वी ऑल नो कि बैकलॉग इज अ लूप, ठीक है। जब भी हमारा बैकलॉग होता है तो हम देखते हैं यार हमारा इतना सारा चैप्टर बचा है पीछे, और हमें आगे भी कंप्लीट करना है। तो हम जब आगे जाते हैं तो पीछे करा जाता है, जब पीछे जाते हैं तो आगे करा जाता है। तो इट्स अ इनफाइनाइट लूप, तुम उसमें घूमते ही रहते हो। अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तब तो तुम और ही परेशान हो जाओगे। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स में बताए हैं जिसके थ्रू तुम अपना बैकलॉग इजिली कवर कर लोगे विद इन अ 2 वीक्स, ठीक है। और उसी के साथ साथ तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है, इससे देखो तुम्हारा जनवरी का अटेम्प्ट इजिली निकल जाए यार। क्योंकि सच में जनवरी निकालना जितना आसान है ना, उससे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती तुम्हें अप्रैल अटैम्प्ट के लिए। अगर तुम्हारे कहीं 180 170 मार्क्स में 99% आ रही होगी, तो वहाँ पे तुम्हारा 210 तक 99% आती है। तो क्या फायदा, क्या मतलब है इस सब चीज़ों का। इससे अच्छा है कि अभी फोकस कर लो, अभी जल्दी से अपना बैकलॉग कवर कर लो। क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि मेरा अभी बैकलॉग कवर नहीं हुआ है, तो चलो यार छोड़ते हैं जनवरी वाला, फोकस करते हैं अपने अप्रैल वाले अटैम्प्ट। तो यार देखो अभी हिम्मत मत हारो, मैं बता रही हूँ तुम्हें एक स्ट्रेटेजी, उसको फॉलो कर लो बस एक बार, उसके बाद तुम्हें जो करना हो वैसे करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, जब भी हमें अपना बैकलॉग कवर करना रहता है तो हम चैप्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो मेरी मानो तो तुम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को NCERT से कवर कर लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री में जो तुम्हारी डायरेक्ट NCERT से उठ के चली आती हैं, ठीक है। तो जितना हो सके जल्दी से NCERT रीड करो, अपनी रिएक्शंस को याद करो, अपने एल्डिहाइड कीटोन जो भी तुम्हारा बचा हो उसको कंप्लीट करो, और भी इनऑर्गेनिक में तुम्हारे जो भी ब्लॉक्स रह गए उनको कंप्लीट करो, तुम्हारा इनऑर्गेनिक का पार्ट यहाँ खत्म हो। तो केमिस्ट्री में फिजिकल और फिजिक्स के लिए तुम्हें अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है 1 शॉट वीडियो से। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी अच्छे तुम्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। अगर तुम्हारा कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो इन सब्जेक्ट में आते हैं तो तुम वहाँ से जाके कवर आते हैं। हमारे मैथ्स में जिसको मोस्टली लोगों से डर लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अजीब सा सिलेबस होता है और कॉन्सेप्ट भी अलग से होते हैं कि हम एक बार में समझ नहीं पाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करें सही आंसर लाने के लिए। तो मैथ्स में तुम्हें क्या करना है, तुम जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उस बुक का चैप्टर नंबर खोलो, तुम्हें जो भी तुम्हारा चैप्टर नहीं है उसके सॉल्व एग्जाम्पल लगाना चालू कर दो, और उसमें जो जो तुम्हें फॉर्मूलेज दिए गए होंगे उसके केसेस वगैरह उनके 2-3 पेजेस में एक चैप्टर का शॉर्ट नोट जल्दी से बना लो। इस तरीके से तुम अपना मैथ्स का जो बैकलॉग है वो कवर कर सकते हो इजीली। मेरी मतलब जब मेरे टाइम पे मेरा शायद ऐसा हुआ था तो मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी, और सीरियसली उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। मुझे घंटों तक कोई वीडियो नहीं देखना पड़ रहा था मैथ्स के लिए, क्योंकि जब भी हम वो वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें उस फॉर्मूले तक ही पहुँचाते हैं। तो इससे अच्छा है कि तुम्हारे पास टाइम कम है तो डायरेक्ट तुम वो फॉर्मूला ही देख लो यार, मतलब इतना भी तुम्हें कठिन नहीं लगेगा क्योंकि तुम 11th 12th ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसलिए शायद तुम्हारी ये इफेक्टिव रहे। सेकंड पॉइंट है हमारा, अब तुमने अगर इतनी मस्ती मारी है तो तुम्हें अब तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो लाइक ट्राई करो कि तुम दिन में 12-13 घंटे तक पढ़ो, जिससे कि तुम्हारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि
यू आर नॉट अ नॉर्मल एस्पिरेंट, तुम्हें अभी करना है अपने बैकलॉग भी कवर और अपने साथ साथ जो सिलेबस चल रहा है उसमें भी तुम्हें ध्यान देना है, और क्या पता तुम्हारी कोचिंग में टेस्ट भी हो रहे हो तो तुम्हें उस पर भी ध्यान देना है। इसीलिए गाइज प्लीज अभी कुछ ही महीने तक तुम्हें ऐसा करना है, अपने आप को थोड़ा पुश करो, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करो कि यार देखो अगर तुम अभी आ गए हो ना IIT या NIT में, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, कसम से तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। वरना क्या होगा, तुम्हारी जो मक्कारी चल रही है इसका मतलब भुगतान कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स को ही करना पड़ता है। इतनी सारी फीस देनी पड़ेगी प्राइवेट कॉलेज में जाके, और क्या सीखोगे वहाँ पे, सिर्फ बहुत ही गंदा माहौल है, मतलब बहुत ही बेकार माहौल है। इससे अच्छा है कि तुम एक अच्छे NIT को पकड़ लो, आ जाओ यार एटलीस्ट, प्लीज आ जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, मेहनत कर लो अगर नहीं कर रहे हो। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, वन शॉट वीडियो देखो, PYQ लगाओ, देन मॉक टेस्ट दो। ठीक है, तुमने कोई चैप्टर कर लिया उसका तुमने, तुम्हें अगर आता नहीं तो हमारा बैकलॉग था उसमें, उसका तुमने वन शॉट देखा, उसके तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, देन उसके बाद उसके PYQ पे जाओ जो भी लास्ट ईयर पूछे गए होंगे। ठीक है, ट्राई करो कि तुम 20-25 PYQ लगा लो, तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए और तुम ये समझ जाओ कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद तुम उसका एक मॉक टेस्ट दे दो, और ये चीजें तुम्हें करनी है 2.5 घंटे में। ठीक है, तीनों चीजें तुम्हें 2.5 घंटे में करनी है। ट्राई करो कि तुम 1 घंटे में वन शॉट वीडियो देख लो, देन तुम उसके PYQ जल्दी जल्दी देख लो, और फिर तुम्हें 30-45 मिनट्स में मॉक टेस्ट देना है। तो ये काम तुम्हें बस इतने ही देर के लिए करना है, तभी तुम्हारा सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो पाएगा। तो फोर्थ पॉइंट है कि जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे अपनी PYQ की अपने वन शॉट वीडियो के बाद, तो तुम्हें अपने नोट्स में कैसे उसको लिखना है। तो बेसिकली तुम्हें एक नोट लेनी है, उसमें अपना चैप्टर का नाम लिखना है, उसके बाद एक लाइन खींच के उसमें कॉन्सेप्ट भी लिखने हैं। पहले उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होता है ट्राई करने के बाद तो उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। उसके बाद उसके फॉर्मूलेस लिख सकते हो, और उसमें जो भी पूछा गया है उसके कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से तुम काफ़ी इफेक्टिवली पढ़ सकोगे और तुम्हें चीज़ें याद भी रहेंगी। जब तुम रिविजन करने जा रहे होगे तो तुम्हें उसके सामने एक फॉर्मूला भी दिखेगा, कॉन्सेप्ट भी दिखेगा और एक सवाल भी दिखेगा, तो तुम्हारे काफ़ी अच्छे मार्क्स इससे बढ़ सकते हैं। एंड आई होप कि अगर तुम इतनी सारी चीज़ें आराम से करोगे तुम्हारा बैकलॉग कवर हो जाएगा। एंड ट्राई करना कि इसको तुम 15 डेज में ही टैकल कर लो, इसको ख़त्म कर दो, जिससे कि तुम आगे आराम से अपने मॉक टेस्ट पे ध्यान दे सको। रिमेंबर ऑलवेज, जो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देगा, जितनी ज़्यादा जो प्रैक्टिस करेगा, उसकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी रैंक आने वाली है। अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक है, कोई चैप्टर तुम्हारा वीक है, तो उसको प्रॉब्लम उसके सॉल्व करो, जिससे कि तुम्हें उसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या करना होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स ऑल्सो अ बेस्ड ऑन ओनली ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जितना तुम पढ़ोगे, ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, उतना तुम्हें अच्छे से आएगा। तो लास्ट पॉइंट है मेरा, कुछ टिप्स आप सबके लिए जो भी JEE की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम जब JEE की तैयारी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इशूज़ आते हैं। तो पहला पॉइंट है कि अपनी हेल्थ को सही रखो, कोई भी जंक फूड मत खाओ, ऐसा मत करो कि तुम्हें उससे प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात, अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो थोड़ा लिमिट में बात करो, जिससे कि तुम्हें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है और उसका भी सिलेबस रह गया होगा, क्योंकि वो तो तुमसे इतने दिनों से बात कर रही है या कर रहा है। तो दोनों लोग सोचो कि अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे NIT IIT में जाते हैं। आई नो कि इस जनरेशन में ऐसी बातें बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये पॉइंट रखा। देन हाँ, अगर तुम्हारी स्लीप साइकिल गड़बड़ है तो उसको सुधारो, सुबह उठने की कोशिश करो टाइम से, और रात में भी टाइम से सोने की कोशिश करो। अगर हो सके तो दिन में मेडिटेशन कर लिया करो, या फिर सुबह भी कर सकते हो। देन इसी के साथ साथ तुम जब भी कोई खाना वगैरह खाते हो, ब्रेक लेते हो, तो कुछ लाफ्टर शो देख सकते हो, इससे तुम्हें हंसी आए। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम रील या शॉर्ट्स देख रहे हो, क्योंकि इससे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। एंड प्लीज़, अगर तुम पढ़ते हो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो जल्दी से कमेंट में जाके लिख दो अपनी प्रॉब्लम को, मैं ट्राई करूंगी उसको सॉल्व करने की। एंड उसी के साथ साथ मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम वहाँ जाके पूछ सकते हो। एंड गाइस, PW ने बहुत अच्छे कोर्सेज लॉन्च किए हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें उसमें इनरोल करना है, चाहे वो IIT के हों, चाहे वो JEE के हों, चाहे ड्रॉपर के हों, चाहे टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी हो, या फिर तुम्हें कोई बुक्स भी मंगानी है, तो ये सब करके मेरा जो कोड है डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके यूज़ कर सकते हो फॉर डिस्काउंट। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, अगर कोई तुम्हारा फैमिली मेम्बर है जो कि रेलवे या किसी भी कोर्सेज की तैयारी कर रहा है, रेलवे, SSC, CGL, किसी की भी तैयारी कर रहा है, तो तुम उसके साथ भी शेयर कर सकते हो। तो अगर तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो, अदरवाइज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी तुम्हारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ना, और आई होप कि इस वीडियो देखने के बाद तुम्हारा बैकलॉग कवर हो जाए। बाय बाय।